Namaskar, pranam, hello all. This is the place where it all started. Hum aaye apan gaam aayel chhi, jekar naam chhi Rudauli, je Begusarai ke antargat abhi chhe. Ahi gaam sab kich, jekar hum kahi saki ki utpatti bhele, ya hamar jeevan ke, hamar purkhon ke jeevan ke, hamar pitar sab ke jeevan ke shuruaat bhele, to yeh gaam chhe. Jena dekh saki chhi ki, hamra paacha mein je jagah chhi, ekra dalan kahel jai chhi Bihar mein. This is supposed to be called Dalan, and this is the place where when the whole family, this whole place, if you can look at it, अभी जो थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो यहाँ पे सब लोग जब हमारे बड़े वाले चाचा हमारे पिताजी हमारे छोटे चाचा और सबकी फैमिली कम से कम 25-30 लोग यहाँ पे होते थे और इसी जगह पे जैसे चौकी यहाँ पे रखी हुई है आप देखेंगे तो इन चौकियों पे कम से कम 25 लोग होते थे 25 कुर्सियाँ लगती थी और तब चाय पे चर्चा होती थी. चाय की चर्चा की बात कुछ सालों से हम सुन रहे हैं वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और पीछे एक संगीत चल रहा है जिसका नाम है मैथिली गीत से मुरारे आंगन मा. वो गीत हमारा बड़ निक लगे है कहाँ के हम अपना संगे आए गाँव देखब चाहिए चाहे दुआरे जे कतो रहो किस करूँ लेकिन हमर गाँव हमर देश ऐसे निक ऐसे संसार में कोनो जगह नहीं भ सकी छे. तो जना आप देखब यहाँ यह जगह छे जहाँ पर यही दलान के बारे में बात करी छी हमरा ले हमारी इतिहास छे ये हमारी धरोहर है जो हमारे पिताजी से हमारे पुरखों से हमारे पितरों से मुझे मिली है और वैसे तो थोड़ा सा अभी पुराना हो चुका है और आशा करते हैं कि उन्हीं सब पितरों के आशीर्वाद से पुरखों के आशीर्वाद से और आप सबकी शुभकामनाओं से इस जगह का फिर से जीर्णोद्धार होगा इस जगह को फिर से इसका उत्थान होगा. पर जब ये जगह अपने स्वर्णिम आप कह सकते हैं कि जब एक स्वर्णिम उसका क्षण था जब स्वर्णिम घड़ी थी तो कम से कम यहाँ पे जब भी हम लोग पापा के साथ गांव से गांव आते थे तो एक जीवन में अजीब सा रोमांच भी होता था. कहाँ क्या आप भी दिखा ले लूँ हम ई देखला के बाद लेट मी टेक यू इनसाइड माय यही वो जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था मेरे लिए मेरे घर वालों के लिए. आप मेरी आँखें देख सकते हैं कि अभी थोड़ी सी नम भी हो चुकी हैं क्योंकि घर घर होता है चाहे आप कहीं भी चले जाएं और आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये बहुत अभी आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊं कि हमारे बड़े भाई जो हैं हमारे बड़े भाई की पैदाइश इसी कमरे में हुई थी. मेरी पैदाइश भागलपुर की है लेकिन जो हमारे बड़े भाई साहब हैं तो जो बड़े भाई साहब ने आपने कभी कहानी सुनी है तो हमारे बड़े भाई साहब भी वैसे ही हैं. तो वो बड़े भाई साहब हमारे बड़का पैग भाई हमारे इतने पैदा भेल छला और मैं क्या बताऊँ ये आप देखिए ये पूरा आंगन है और ये कमरा है. इस कमरे में पहले बहुत लोग कुछ 25 लोग 40 लोग रहते हैं एक ही जगह तो वहाँ से पूछ सकी चीज़ें अलग अलग कमरा में सब कुछ होइ छे. फिर ई जे छै से हमर कुलदेवी के घर छे अगर अहाँ देखबे तो कुलदेवी कुलदेवता के यहाँ दर्शन कऽ सकी छी. ताहिके बाद हमरा पाछा जे यहाँ देखबे तो हमर पाछा में हमर काकी हमर बहिन हमर नतनी दुनू हमर पोती हमर माय ई हमर छथिन हनुमान जी परशुराम जी. ताहिके बाद काकी कहाँ गेलखिन हाँ वो हमर बहिन छे जिनके नाम छे ससमिला बहिन. आई देखियो ये भात दालि तरकारी के प्रबंध भेल छे तब बढ़िया भोजन के अइमे एते घी अते के घी के साथ भात दालि आलू के चोखा पापड़ घी हाँ मुन्नी बहिन के नहीं देखेलो मुन्नी बहिन ये हमर मुन्नी बहिन छे एकरा से बच्चा में बहुत आशीर्वाद भेटल है. ये हमर दोसर बहिन छे ये ससमिला बहिन छे. फिर काकी छथिन हमर पासा में देख रहल छी यहाँ काकी हमरा अपन माय जना प्यार देने छथि हमेशा से आइयो आशीर्वाद दऽ कऽ भेज रहल छथि बम्बई की बउआ तू बहुत वृद्धि करिए अपना जीवन में. हाँ की छै कि नहीं काकी ये दुनू देखियो ये दुनू हमर नतनी छै ये हमर मुक्कू ये हमर कुक्कू ये हमर भागिन मुंशी एकरा बिना हम अपन जीवन के कल्पना नहीं कर सकै छै. एहि दुआरे जे बम्बई में तो हम रही छी लेकिन हमर माय के असली बेटा यह छै. ताहिके बाद अहाँ के जरा से भेंट करावा वाला छी वो आर क्यों नहीं छथि वो हमर माय छथि. संसार में जे किछ हम छी हम हैब हिनके दुआरे हैब. सब देव देवियाँ एक और है माँ मेरी तू एक और सब दिन से हम यह बात कह रहल छी. ताहिके बाद कनी टूट गेल छी घर ओना मुदा कोनो बात नहीं घर के फिर से जीर्णोद्धार हेतै. ये हमर एक आर बहिन छथि हिनकर नाम छै प्रमिला बहिन. ये हमर बहुत पैघ भाई गुड्डू भाई ई बच्चा में हम सब एकटा वाक्य हमरा याद है कि क्रिकेट में हमरा बहुत तामस आबि गेल रहै तऽ हिनकर हम लोल थोड़ी देने रहिए बैट से गया है हमको गलती आउट किए हैं आप
एखन तक निशान हेतु शायद इनका तो ये गुड्डू भाई छथिन बच्चा में बहुत बच्चा से बहुत स्नेह देने छथि हमरा बहुत प्रेम केने छथि गुड्डू भाई बस हम सब के जते हमर चाह वाला छथि हुनका हम पूरा घर देखा रहल छी गाम देखा रहल छी नाउ लेट मी टेक यू टू द रूफ टॉप जहाँ से आपको मैं पूरा गांव दिखा सकता हूँ और मुझे अभी तक यहाँ की बचपन की यादें इतनी सारी हैं कि आप पूछे मत ये बचपन में जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा छत पे ही आता था तो छत पे आने के बाद आप देखेंगे कि गांव आखिर दिखता कैसा है तो ये हमारा गांव है फिर से पुनः मैं आपको बताऊं दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड रुदौली इन बेगूसराय और मुझे बहुत मैं क्या बताऊं आपको मैं बहुत एखन भाव विवल छी घर की कनी हालत कनी जीर्णोद्धार के आवश्यकता छी अगर लेकिन हमारा पूरा विश्वास है जे कुलदेवी कुलदेवता पितर जे हमर पितर छथि जे हमर पुरखा सब छथि हुनकर सबके आशीर्वाद से अहाँ सबके शुभकामना से घर के हम फिर सब पूर्णोद्धार हमरा माध्यम से या जकरा भी माध्यम से भ सके ए घर के फिर से ज्वलंत जीवंत बना सकी अहाँ सबके शुभकामना रहती तो अवश्य करबे तो रुदौली गाँव से अहाँ सबके हम अपना तरफ से बहुत सारा प्रेम भेज रहल छी बहुत स्नेह भेज रहल छी एकटा बात अवश्य कहब जे किछु भ जाए संसार में लेकिन गाँव गाँव होइ छै गाँव से बढ़िया संसार में कोनो चीज नहीं होइ छै तैं दुआरे गाँव के नहीं छोड़ू अपन जड़ के नहीं छोड़ू जड़ छोड़ देब तो ताहिके बाद जे जड़ गाछ के जते नीचा रहै छै अंदर ओ गाछ ओतबे कतबो तूफान आबै छै ओ गाछ कहियो खत्म नहीं होइ छै हिले नहीं छै तैं दुआरे अपन जड़ अपनी जड़ों को बचा के रखें अपनी जड़ों को गड़ा के रखें जिंदगी में कोई चीज़ आपको नहीं हिला पाएगी इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने गाँव से आप सबसे विदा लेता हूँ और समय निकाल के गाँव जाते रहें अपने परिवार से मिलते रहें क्योंकि गाँव जैसा पूरा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा और वही वो जगह है गांव जहां से आप या आपके परिवार की पूरी कहानी शुरू हुई थी आपकी शुरुआत हुई थी इन्हीं शब्दों के साथ अपना ध्यान रखें और बी हेल्दी बी हैप्पी बाकी योग विल टेक केयर लव यू ऑल वेरी मच एंड सी यू अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू